हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल नमस्कार में। दोस्तों आज हम आप बताने वाले हैं थंबनेल के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता ही है वीडियो आप कितने भी अच्छे बना लीजिए, यदि आपका थंबनेल बढ़िया नहीं रहेगा तो आपके वीडियो पे जो है व्यू नहीं आता है। तो आज हम बताने वाले कि थंबनेल को कैसे आप जो है HD क्वालिटी में बहुत ही अच्छे आप बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है कि एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। तो आप प्ले स्टोर से जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर नीचे लिंक दिया गया आप वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, पिक्सल लैब जो ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस जो है आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोने में यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज साइज पे दोस्तों क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके YouTube थंबनेल साइज को इसको ओके कर देना है। अब ये जो है साइज हो चुका है आपके YouTube थंबनेल के लिए 1280x720। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप अपना जो है बैकग्राउंड को जो है वो पहले इनपुट कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए और इसको जो है यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके लेयर पे और इसको जो है लॉक कर देना। लॉक करने से होगा क्या दोस्तों, ये जो है अब हिलेगा नहीं ये। और उसके बाद दोस्तों अब सबसे पहले जो है हम अपना जो है इमेज को जो है अब इनपुट कर लेते हैं। प्लस वाले आइकन पे दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद अपना इमेज को इनपुट कर लेना है। इसको दोस्तों बड़ा कर लेना है इमेज को, आप अपने साइज से आप कितना बड़ा इसको रखना चाहते हैं। तो हमने जो है इतना बड़ा कर लिया है। करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब इसके साइडों दे देना है। यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। चाहे तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। तो हम देख लेते हैं कौन सा बढ़िया लग रहा है दोस्तों। हम इसको हाँ दोस्तों यही ठीक लग रहा है तो उसको इतना पे कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं। आप चाहे तो इमेज का जो है कलर भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक लग रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें तो अब कुछ इमेज में काम नहीं करना है। अब जो है दोस्तों इसको लेयर पे क्लिक करके इमेज को जो है दोस्तों लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों अब इसमें जो है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर जाके दोस्तों अब यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं वीडियो पर। इसको बड़ा करना है दोस्तों, ठीक बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे ए पे क्लिक करना है और दोस्तों इसको हम स्टाइलिश में बोल्ड कर दिए दोस्तों, ये सही लग रहा है। उसके बाद इसका दोस्तों थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। हम देख लेते हैं वाइट दोस्तों हमको ठीक लग रहा है तो वाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इसमें भी साइडो दे देते हैं ब्लैक कलर का। ठीक लग रहा है, ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टॉक दे देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब इसको भी लेयर पे जाके लॉक कर देना है। अब दोस्तों अब ये भी हिलेगा नहीं। तो दोस्तों फिर से प्लस पे जाके इस पर क्लिक करके फिर से लिख लेना है हमको। इस पर भी दोस्तों हमको जो है स्टाइलिश में बोल्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, आप
अपने अकॉर्डिंग जो है इसको जैसा भी हो आप बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है थंबनेल जो है बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों आपको जो है कम ही लिखना है दोस्तों, ज़्यादा घिनाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा घिनाने के बाद दोस्तों थंबनेल बढ़िया नहीं लगता है। तो आप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ से जो है हमको सेव करना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। और सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इमेज जो है हाई क्वालिटी में जो है आपको जो है सेव करना है। तो सेव गैलरी पे दोस्तों क्लिक करते हैं कि दोस्तों सेव हो रहा है। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।